हेलो गाइस, हाय कैसे हेलो गाइस कैसे आप सब। मैं विनी प्रो गेमर और आज हम कुछ गेमिंग का नहीं करने वाले। तो मैंने सोचा था मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करें जिसका नाम है HTML सीरीज। तो HTML सीरीज जो है, मैं आपको पहले उसके बारे में बताऊंगा। HTML क्या होता है? HTML एक सबसे इजीएस्ट कोडिंग लैंग्वेज है जिसको हम यूज करते हैं वेबसाइट्स, वेब पेजेस बनाने में। अब उस वेबसाइट और वेब पेज के अंदर जो भी सारा आप देखते हैं, कोई भी वेबसाइट आप गूगल पे खोलेगा या कोई भी इंटरनेट एक्सप्लोरर पे खोलेगा, तो आपको जो भी चीज़ें हैं वो HTML से बनती है। अब HTML से साथ साथ और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं जो उसके हेल्प करती हैं अलग अलग काम में। तो लेट्स गेट इनटू इट। आज हम लोग एक मेन स्पेशल मतलब एक बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेरे पास ये आ रखा है विजुअल स्टूडियोज कोड। अब आप पूछेंगे विजुअल स्टूडियोज कोड क्या होता है, तो ये बहुत सिंपल है। विजुअल स्टूडियोज कोड एक चीज़ है, एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर आप राइटिंग या कोई भी कोड डिजाइनिंग के लिए करेंगे। स्टूडियोज कोड है तो मोस्टली कोड के लिए। अब इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। डाउनलोड करेंगे अगर आपके पास है तो, मुझे नहीं पता, विंडोज 10 के लिए आई थिंक ये फ्री आता है। और एक और चीज़ है हमारे पास, वो है फाइल एक्सप्लोर। फाइल एक्सप्लोर जो है आपको ये हेल्प करेगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि कैसे आप बना सकते हैं कोड। तो जैसे कि मैं आपको ये दिखाऊंगा, ये है, ये मैंने बनाया था HTML के अंदर। अब एक्चुअली ये एक बेसिक है, और बेसिक है तो देखिए, ये देखिए, इसके अंदर हवा कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर है, और यहाँ पे देखिए हवा कर रहे हैं, कलर दे रखा है और सब कुछ है। क्लिक करने में कुछ नहीं होगा, बट यहाँ पे बुक टिकट के अंदर जाएंगे, क्लिक करेंगे तो ये खुलेगा। और अगर इसके आप कुछ भी डालेंगे, इंटर एज 2 3 और abc@gmail.com, और यहाँ पे आप कोई भी नंबर डाल दीजिए। वेरिफिकेशन, तो इसका मतलब है कि उसमें क्या है, डजंट मैटर, सबमिट दबाइएगा, चला गया। ऐसे काम करते हैं HTML। अब हमारे पास, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे ये करेंगे काम। तो मैंने एक नया फोल्डर बनाया, और फाइल कैसे क्रिएट करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। एक फोल्डर खोलिए, फाइल के अंदर जाके ओपन फोल्डर। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, नोट पैड में भी लिख सकते हैं, बट ये आपको ज़्यादा सूट करेगा विजुअल स्टूडियोज को, क्योंकि अगर आप कुछ भी लिखेंगे, जैसे कि मैंने लिखने जा रहा हूँ कुछ भी, तो आपको सपोर्ट नहीं करेगा, मतलब आपको हेल्प नहीं करेगा। अगर HTML फाइल है और इसके अंदर आप कुछ भी कोड लिखेंगे तो आपकी हेल्प करेगा कि ऐसे रिलेशंस ऑफ कोड है, अगर आप क्लिक करेंगे और वो पूरा ही कोड दिखा देगा। तो आप इसमें कैसे काम करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप कंट्रोल एस करेंगे तो आपके पास ये आता है, नॉर्मल टेक्स्ट फाइल्स। अब इसके अंदर हम कुछ भी डालेंगे तो वो टेक्स्ट फाइल में सेव होगा, बट यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सेव एज टाइप, जो फॉर्मेट है फाइल फॉर्मेट, उसको आप करना है ऑल फाइल्स। ऑल फाइल्स में फ़ायदा होगा कि मैं अगर डाल दूँ ट्रायल डॉट, अब इसके बाद का ये बहुत है, ट्रायल आपने नाम डाल दिया, और इसके बाद का ये बहुत इंपॉर्टेंट, .html, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप HTML भी डालेंगे तो भी काम करेगा, HTML डालेंगे तो भी काम करेगा। तो मैं अभी इसको सेव नहीं कर रहा हूँ, बट आप कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे कोड लिखे मेरे कॉपी करके तो। ओके वेल, वापस आते हैं हम विजुअल स्टूडियोज कोड पे। और अगर हम यहाँ पे एक ऑप्शन है न्यू फाइल, और इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक नई फाइल आएगी, और ये भी नोट पैड की तरह ही, तो इसके अंदर डालेंगे, मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ tut1.html। एच टी से कुछ नहीं हो रहा, एच एक टाइप ऑफ, ये भी एक एच भी एक होगा फाइल फॉर्मेट, HTML डालने से भी आ गया, यहाँ पे HTML का सिंबल है, HTML डालने पर भी आ गया। तो हमने एक खोल दिया, बट इसको काम कैसे करना है, तो HTML में बेसिक थिंग होती है, उसका नाम है टैग, टैग सॉरी। और ये एक टैग होता है, इसके अंदर कोई भी कंटेंट डालिए आप, वो इसके अंदर का टैग के अंदर का सामान होगा, बट इसे बोलते हैं टैग।
अब टैग को ओपन किया जाता है और स्लैश दबा के क्लोज किया जाता है। तो इससे ये ओपन है और ये क्लोज है। कुछ जो टैग्स होते हैं उसमें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली ये डाल सकते हैं, बट टैग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब HTML कोड से शुरुआत करने के लिए हम एक बेसिक ये डालेंगे, ये हमने डाला है HTML, यहाँ पे आगे आपको HTML डालेंगे। अब ऑफ कोर्स इसके लिए भी एंडिंग टाइप है, तो नेक्स्ट लाइन जाएंगे हम, यहाँ पे लगाएंगे स्लैश और स्लैश HTML अपने आप वो बता देगा। हम यहाँ पे जाएंगे, इसके अंदर भी स्पेस है, इस इन HTML, HTML ओपन और HTML क्लोज, इस इन दोनों के अंदर क्या आने वाला है अब हम वो देखेंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगा पहले रन कैसे करना है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दूँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देते हैं, या बॉल एंड बैट, बैटिंग बॉल होता है, बॉल इन बैट लिख दिया, कोई बात नहीं। तो कैसे काम करेगा, आपको बस वो लोकेशन फाइंड आउट करनी है। जैसे आप इसके अंदर ओपन फोल्डर करेंगे, आपको पता होना चाहिए आपने कहाँ सेव कर रखा है, तो वो आपके पास पूरा यहाँ पे दिखा दिया फोल्डर के अंदर। जैसे कि मेरा यहाँ पे HTML के अंदर कोड है, कोड के अंदर हजरत निजामुद्दीन स्टेशन बोर्ड और रिकॉर्डिंग है, आप ऐसा कर सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट काम, आप कोई भी अगर आप इसको प्रिव्यू करना चाह रहे हैं, पहले कंट्रोल एस करिए सेव, और नोट पैड में भी ऐसा ही, और सेव करने। अब आपको बस वो फाइल एक्सप्लोर में खोलना है, जो भी आपके पास ओपन फाइल ओपन स्टोरेज है खोलना है, और इसके अंदर डबल क्लिक, डबल क्लिक करने के बाद आप इधर आ गए, बॉल एंड बैट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, आ गया नॉर्मल। यहाँ पे आप फाइल एक्सप्लोर पे जाएंगे आप, तो आपका नॉर्मल ये दिखेगा, और उसके बाद आपको बस डबल क्लिक कर देना है, तो अपने आप ये खुल जाएगा जो भी लिखा है। ओके वापस आते हैं हम विजुअल स्टूडियो कोड पे, या नोट पैड आपका जो भी हो, पर सबसे ज़्यादा पार्ट हम लोग एक पेज को, एक वेब पेज और वेबसाइट को डिवाइड करके रखते हैं कोड में। अब कोड में एक होता है हेड, हेड के अंदर आप क्या करते हैं मैं बताता हूँ। पहले आप इधर डालेंगे HAHEAD हेड, यहाँ पे आ गया, हेडर मत डालिए, हेड, और यहाँ पे एंटर पे बैक लगा के स्लैश हेड, ठीक है, आ गया। अब हेड जो है वो पूरा सर है उसका, सर हमारा सारी आइडेंटिटीज इसमें होती है, सर में हमारी आइडेंटिटीज होती हैं। तो आइडेंटिटी के लिए यहाँ पे हम लोग अगर हम कोई भी फाइल इससे कनेक्ट करें, कनेक्टिंग का हम नेक्स्ट बाद के एपिसोड में सीखने वाले हैं। तो अब यहाँ पे हम चुप बैठ जाना प्लीज, थैंक यू। हाँ, तो यहाँ पे हम डालने वाले हैं एक चीज़, उसका नाम है टाइटल, टाइटल टैग, टाइटल टैग डाला। अब इसमें आपको नेक्स्ट लाइन में जाने की ज़रूरत, नेक्स्ट लाइन में भी काम करेगा, पर आप यहाँ पे नॉर्मली ऐसा कर सकते हैं। तो टाइटल से होगा क्या, अब आप देख रहे हैं नॉर्मली ये वाले इसमें गया टूट डॉट एच टी एम एल, यहाँ पे एक फाइल नेम आ जाएगा, सॉरी, हाँ यहाँ पे नॉर्मल फाइल नेम आएगा। पर अगर हम इसको चेंज करना है और हमें यहाँ पे दिखाना है अपना कोई भी नाम, तो जैसे कि मैं डाल रहा हूँ टाइटल के अंदर डालूंगा ट्यूटोरियल वीडियो, सॉरी वीडियो, सॉरी, ये भी एक टैग होगा ट्यूटोरियल वीडियो, कंट्रोल एस किया और आप इधर गए और आपने रीलोड कर दिया। अब देखिएगा यहाँ पे आ गया है ना हेडिंग में ट्यूटोरियल वीडियो, ठीक है गुड, ऐसे काम करेगा। अब हेड के लिए हम लोग इधर ही छोड़ देते हैं, एक चीज़ आती है उसके बाद बॉडी, बॉडी टैग होगा, बॉडी टैग जो है वो नॉर्मल इसकी बॉडी है, मतलब ये इसके अंदर ये जो लिखा है टाइटल होगा, ये कंटेंट बोलेंगे हम। और बॉडी टैग का आपको ऐसे करना पड़ेगा बैक स्पेस करके, आपको स्पेस छोड़नी पड़ेगी, छोड़ भी सकते हैं आप, कैसे भी कर सकते हैं, स्पेस टैब दबा के कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप एप्पल या मैक पे काम कर रहे हैं, आई डोंट नो ये सेम काम करेगा, बट मैं विंडोज़ के बारे में कर रहा हूँ, तो आप ट्राई कर सकते हैं सेम थिंग। अब हम यहाँ पे हम नॉर्मल टेक्स्ट टाइप करेंगे, तो आपको पता ही क्या होगा, मैंने नॉर्मली यहाँ पे HTML के अंदर डाला था तो वो हो गया था, मैं अभी डालने वाला हूँ, कंट्रोल एस किया, कंट्रोल रीलोड,
यहाँ पे आ गया ये। पर अगर आपको इसको और अच्छे से दिखाना है, मतलब क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम लोग बोल्ड और इटैलिक कर सकते हैं, क्या हम HTML के वेब पेज में भी बोल्ड और इटैलिक दिखा सकते हैं? यस वी कैन। और इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा एक टैग, उससे पहले लगाना है बी, बी फॉर बोल्ड, बी फॉर बोल्ड लगाया। अब यहाँ पे स्लैश लगा दिया और ये अपने आप बंद हो गया। अब इससे होगा क्या ये देखेगा, हो गया ना बोल्ड, बोल्ड हो गया। अब इसका साइज कैसे इंक्रीज करना है, इस साइज इंक्रीज करने वाला तो बाद की चीज़ है, बाद में हम सीखेंगे साइज इंक्रीज करना। कंट्रोल सी किया और यहाँ पे किया, चुप ना प्लीज प्लीज चुप हो गया। ओके अब हम ना इटैलिक कैसे करेंगे, इटैलिक के लिए हमें आई डाल लेना है और इटैलिक यहाँ पे हो जाएगा। अब आप एक चीज देखेंगे कि मैंने इटैलिक किया और ये यहाँ पे आ गया इसके बगल में। तो HTML के बॉडी में दो टाइप्स होते हैं, स्पैन और ब्लॉक। ये स्पैन है क्योंकि इसने अपने आप की जगह ले ली है, मतलब इतना इसने स्पेस लिया है बस, इसके आगे का इसको कोई मतलब नहीं है। ब्लॉक क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। एक और टैग होता है HTML में, उसका नाम है पैराग्राफ टैग, इसके नाम पी डालेंगे बस, और इधर स्लैश भी कर दिया। अब इस पैराग्राफ टैग से होगा क्या आप देखिएगा, मी इज फूल, ओके कुछ भी डाल दीजिए, इसने एक नेक्स्ट लाइन डाल दी है ना। पैराग्राफ से आप देख रहे हैं कि एक नया सा लुक आ गया है, तो पैराग्राफ टैग वही करता है, उसका भी एक अलग डिज़ाइन है। अगर आप एक और डालेंगे इधर पैराग्राफ टैग और स्लैश करके बंद कर देगा, ओप्स, और इधर आप डालिएगा और यहाँ पे आई एम कूल। अब आपने देखा था यहाँ पे ये नेक्स्ट लाइन में नहीं गया था और उधर लिया गया था, बट अब हम लोग इधर जाएंगे तो ये नेक्स्ट लाइन में चला गया। ओके गाइस, तो अब इतने में हम आज इस वीडियो में हमने इतना सीखा है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके और चीज़ों के बारे में देखेंगे, बटन्स और अलग अलग चीज़ें। टिल दैट टाइम हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ सेल्फ, बाय।